कन्नौज की जहां फैजाबाद से दिल्ली जा रही स्लीपर बस लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुजरते समय आग का गोला बन गई। आग लगते ही बस में सवार करीब 70 सवारियों में चीख पुकार मच गई। कोई खिड़की तोड़कर कूदा तो कोई इमरजेंसी गेट से। लपटों की वजह से एक्सप्रेसवे पर आधे घंटे तक डाउन रोड बंद रहा। बस में फैजाबाद और गोंडा की सवारियां थी। सौरिक से 10 किलोमीटर आगे रात करीब 2:15 बजे बड़ा हादसा हुआ है। एसी पाइप में स्पार्किंग से लगी आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। बस में फैजाबाद के अलावा गोंडा की भी सवारियां मौजूद थी। विराट 24 के लिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट।